आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है, हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले, उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी, इट वॉज यूनियन टेरिटरी, दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, जो कहेगा वो फिर अपने आप से झूठ बोल रहा है। चाहता हूं अगर इजाजत हो ब्रिगेडियर साहब की, सर अगर आप एक सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करें और आप रिकॉर्डिंग ऑन रखें, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अथर्ववेद मैं आपको बताता हूं क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5000 साल से पहले लिखी गई थी। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में अब हालात आए दिन नाजुक से नाजुक होते हुए जा रहे हैं और ठीक श्रीलंका की कगार पर पाकिस्तान चंद दिनों में पहुंचने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर से आटे की किल्लत चल रही है। और दोस्तों जहां कहीं भी आटा मिल रहा है वहां पर हजारों लाखों लोगों की लाइनें लगी होती है, सैकड़ों लोग उसमें अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अभी भी जब पाकिस्तान से खबर आई थी, दो तीन जगह दोस्तों जहां आटा बन रहा था वहां काफी लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। और जो कुछ भी पाकिस्तान में मिल रहा है उसके रेट इतने हैं कि आम आदमी की पकड़ से बिल्कुल सब कुछ बाहर होता हुआ जा रहा है। और उधर इमरान खान चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान को सुलगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार आए दिन आईएमएफ की तरफ देख रही है, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा नहीं दिखा रहा। आईएमएफ कह रहा है कि अगर दूसरे देश पाकिस्तान की मदद करेंगे तो आईएमएफ पैसा देगा, और दूसरे देश दोस्तों कह रहे हैं आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देगा तो हम कुछ देंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों के हालात काफी गंभीर होते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान में आपने देखा होगा किस तरह से हमेशा पाकिस्तानियों को झूठ परोसा गया है, और पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी सारे लोग हैं जो आए दिन चाहे पाकिस्तान के बारे में या भारत के बारे में किस तरह से लोगों को झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों एक पाकिस्तानी की किस तरह से मेजर गोरवारिया ने जमकर क्लास ली थी। यह वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं आप 100% वीडियो काफी इंजॉय करोगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो फॉर टूरिज्म, लेट्स गो फॉर कल्चर चेंज, लेट्स गो फॉर म्यूजिक, लेट्स गो फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ये सिर्फ पहले पहली पहली चीज सोचना शुरू कर दें, स्टेप ना लें अभी। पहला लेट्स थिंक, शेल वी रिजॉल्व दीज इश्यूज और नॉट? इफ नॉट फिर तो ये चलेगी गेम अनदर 100 ईयर्स। कौमों की जिंदगी में सदियां कोई लाइफ नहीं होती है। चाइनीज को देखें ना, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री है। इरानियन को देखें, दे प्राउड ऑफ, हम तो बड़े, आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है, हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले, उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी, इट वॉज यूनियन टेरिटरी, दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है। हाँ, इन 70 सालों में हमने क्या सीखा? हमने एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, जो कहेगा वो फिर अपने आप से झूठ बोल रहा है। और अपने आप से जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं फिर आपके फैसले गलत होते हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया पाकिस्तान में अगर करने वाली है वो ये है कि हम पहले ये सोचना शुरू कर दें कि हमने आपस में ताल्लुकात बेहतर करने हैं, फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। जी मेजर साहब, कब सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने तो सोचना शुरू किया है काफी अरसे से। मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि इंडिया पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आ जा सके और टूरिज्म हो, सब कुछ हो। तो आप लोग कब सोचेंगे? आरजू जी, पहले ब्रिगेडियर साहब ने जो अर्ज किया था उसके ऊपर दो तीन बातें बोल दी। ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी की कौमों की जिंदगी में 100 साल बहुत कम होते हैं, ये बात ठीक है, जायज है और मैं अग्री भी करता हूँ। पर फिर उन्होंने एक दो सिविलाइजेशंस का भी नाम लिया। देखिए पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को, भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को, भारत को आजादी मिली थी, तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए आपने इंडस वैली की बात करते हैं, ये नाम जो भारत है ये भारत से आया है, जो भरत राजा था भरत से आया है। जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी अब एटिमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से, इट हैज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। जो हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय से लेकर समुद्र तक हमारी वेद हैं। आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अगर इजाजत हो ब्रिगेडियर साहब की, सर अगर आप एक सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करें और आप रिकॉर्डिंग ऑन रखें, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। जी श्योर।
आरजू देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये अथर्ववेद मैं आपको बताता हूं क्या है। ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद और ये है ऋग्वेद। एक और वेद है जो अंदर है, तो मैं चाहता नहीं वो बुक का स्टैक्स गिर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5000 साल से पहले लिखी गई थी, जो महाभारत है, जो रामायण है, राइट? तो इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारा, हमारी जो तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, वो इजिप्ट से पुरानी है, मिस्र से पुरानी है, रोम से पुरानी है। जब मेरे बाप दादा किसान थे, राजा थे, कवि थे, आर्किटेक्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, तब यूरोप जानवरों की खालें पहन के घूम रहा था। तो आपको थोड़ा सा ये लेना पड़ेगा ना, कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात करी ना, कि ब्रिगेडियर साहब ने बात करी कि कौन टेररिस्ट है, मैं आपको बताता हूं मेरे नजदीक कौन टेररिस्ट है। ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारे, हथियार उठाए, हथियार कई लोग उठाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हथियार जो उठाते हैं सारे टेररिस्ट हैं, मैं वो नहीं कह रहा। जो आम लोगों को मारे, जो आम इंसानों को मारे, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारे, दूसरी चीज, एक तो वो टेररिस्ट, दूसरी चीज जो जंग ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, जंग फौजों के बीच में होती है। 71 की जंग थी, 65 की जंग थी, कुछ हद तक 47-48 की भी जंग थी, 1999 कारगिल भी जंग थी। टू प्रोफेशनल आर्मीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर। कश्मीर में जो चल रहा है वो जंग नहीं चल रही कि एक पेट्रोल जा रहा है, आपने पीछे से लगाया आपने, और AK-47 का बस्ट अभी कल सरपंच मार दिया एक वहां पे, एक हिंदू सरपंच था, हिंदू तो बचे नहीं खैर वहां पे। हिंदूज इन कश्मीर आर ऑलमोस्ट, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आए नहीं इधर कभी, और ब्रिगेडियर साहब आरजू जी कभी आप आए तो हम आपको ले भी जाएंगे वहां पे, प्लीज बी आर गेस्ट। पूरी एक जनरेशन कश्मीर में बड़ी हो गई जिसने कभी हिंदू को नहीं देखा, पूरी एक जनरेशन बड़ी हो गई है जिसने अपने पूरे 30 ईयर्स में एक हिंदू को नहीं देखा, और हिंदू को नहीं देखा उस लैंड में जो कि 100% हिंदू था। 1300s में, 1300 जो सदी थी उसमें, शाहमीर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर, उसका नाम शाहमीर था, वो पहला मुस्लिम किंग था। शाहमीर के समय इट वॉज 100% हिंदू। टुडे हिंदूज आर लेस देन 1% इन द वैली, फिनिश्ड, वाइप्ड आउट, गॉन, कहां गए? मैं वही कहता हूं, देखिए ना, सुनिए, दिस इज नॉट टू ब्लेम समबडी, बट ईरान वॉज नॉट इस्लामिक, ईरान ज़ोरास्ट्रियन था, ज़ोरास्ट्रियनिज्म उनका फेथ था, इट्स 100% मुस्लिम। ये आपके जो रोम है, रोम क्रिश्चियन नहीं था, रोम 100%, इटली 100% क्रिश्चियन हो गई है। इजिप्ट देखिए, पुराने, मैं पुराने सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, और चाइनीज का तो खैर ऊपर वाला मालिक है, वो मानते ही नहीं किसी को, तो देन यू डोंट टॉक अबाउट द चाइनीज, वो अपनी अपने लेवल पे चल रहे हैं, और ठीक है उनके लिए, जो उनके मुल्क के लिए ठीक है, व्हाई शुड वी एडवाइज द चाइनीज। मेरा ये कहने का मतलब है कि दीज आर ओल्ड सिविलाइजेशंस, आवर सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। ये आपने वैभव की बात करी, वैभव जहां पे रहता है, बनारस, बनारस इज, आप जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आप फाइल्स देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग दमिश्क की बात करते हैं, यू नो वी टॉक अबाउट दमास्कस, वी टॉक अबाउट बगदाद, बनारस इज 3000 ईयर्स ओल्डर देन बगदाद। तो ये आप इसको देखें, बगदाद इज आपकी 2-2.5 साल पुरानी है, ये कब से गंगा जी के तट पे है, ये कब से चली आ रही है, आप रिकॉर्ड चेक करें। बहरहाल बात आते हैं ना कश्मीर पे, देखिए इशू पता क्या है, एक सबसे पहले हमें ये जानना होगा, शायद पाकिस्तानी आवाम को पता ही नहीं पता, पाकिस्तान यूएन के पास नहीं गया था कश्मीर को लेके, इंडिया गया था। दूसरी चीज है कि जो 600-650 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, भारतवर्ष में, ये एक जमाने में इनको जनपद कहते थे, जब 16-18 जनपद हुआ करते थे, आज से 3-4 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में टूट टूट के प्रिंसली स्टेट्स बन गए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर क्वीन की फोर्सेज आई, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे 150-200 साल चली है पूरी, जो भी चली है, सब कुछ मिला मुलूक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा ना, कि यहाँ पे हुआ ये है कि जब कश्मीर को, कश्मीर के महाराजा ने एक्सेशन साइन करा था,
वो फॉर्मेट वॉज द सेम फॉर एवरीबडी. फॉर्मेट भोपाल के लिए वही था, लखनऊ के लिए वही था, रामपुर के लिए वही था, मुरादाबाद के लिए वही था. सबके अलग अलग, किसी के नवाब थे, किसी के बादशाह थे, किसी के राजा रूजे थे, इनके जो भी थे. तो देवर 600 करीब 600-650 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, सब ने साइन करा. इशू ये होता है ना कि अगर पाकिस्तान ये समझता है, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम यूएन के रेजोल्यूशन की बात करेंगे और हमें यूएन रेजोल्यूशन से चलना है और उसके क्या शरायत है, मैं उस पर नहीं जा रहा कि नंबर वन ये है कि पाकिस्तान का, वी आर नॉट गोइंग देयर एट ऑल, हम उसकी बात नहीं कर रहे. मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप यूएन की शरायत से चल रहे हैं फिर आप यूएन से चलें. ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये लश्कर ए तैयबा, ये जैश ए मोहम्मद, ये कौन है? ये तो कश्मीरी नहीं है. छोड़ के सैयद सलाउद्दीन, ये तो सैयद सलाउद्दीन तो बडगाम का रहने वाला है, उसने अपना नाम बदल दिया, यूसुफ शाह है उसका नाम, तो उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख दिया. बट ये सारे तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज. इनके फाइटर्स ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, कुछ इनके वैली में भी हैं फाइटर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं. इश्यू पता है क्या है, इसी की बात थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की अगर इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा साइड में एक बार बात ले जाऊं, थोड़ा सा अगर बात हो आप. जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी. तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना काफी, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ. इंडिया में ये बड़ी बात हुई कि तब इस्लामोफोबिया है वगैरह है, राइट? मैं एक बात ये कहना चाहता हूं ना कि थोड़ा सा जो आप लोग जो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दूसरे को अलग ना करें. आप जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में करते हैं ना तो फिर इसके नतीजे होते हैं जो कि हर समय प्लेजेंट नहीं होते, हो भी नहीं सकते. मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जो आरजू आपके वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जो भी रीजन हो हमारे सबके प्रॉब्लम है, मसले सबके हैं ना, मुसलमानों के भी है, हिंदुओं के भी, क्रिश्चियंस के, सबके मसले हैं. Why have only the Muslim countries made organization of Islamic cooperation? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, क्यों हर चीज अलग अलग अलग, हमारा अलग तुम्हारा अलग, तुम्हारा अलग हमारा अलग, हम ऐसे हैं तुम ऐसे. भाई आपको मिलजुल के रहना है, आपको मिलजुल के रहना है, तभी बातचीत का जरिया खुलेगा. अगर हर चीज में आप अलग अलग करेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे. अब जैसे मैं आपको बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ, बड़ा फेमस एक केस है, आरजू मैंने आपसे डिस्कस करा था. यहाँ पे 65-70 साल तक सरकार ने जो हज जो होता है, जो हर एक जो मुसलमान अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है, सरकार ने यहाँ पे 70 साल दिया, हज की सब्सिडी दी. तो देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानियों को दोस्तों इस्लाम के नाम पर जितना भी कट्टरता परोसी जाती है और उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को हमेशा झूठ परोसा गया और उसी का नतीजा आज यह है कि पाकिस्तान में जहां कहीं भी जाओ जिस तरह के ज्यादा मिलते हैं. और दोस्तों पाकिस्तान में जो जितने भी नेता आए हैं वह सिर्फ पाकिस्तान में जो करप्शन मचाने वाले आए हैं, चाहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो कोई भी हो, तो यही दोस्तों इनकी झूठ की वजह से सब लोगों को आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है. पाकिस्तान बिल्कुल कंगाली की दहलीज पर जा पहुंचा है. आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए काफी खतरनाक होगा. हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.